हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए पॉलिनोमियल क्लास 10th का पार्ट 9999। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये बेस्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, मतलब पार्ट 8 ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, उसके रिलेशन बिटवीन जीरो एंड देयर कोफिशिएंट क्या होता है। उस वीडियो को ढंग से देखो, फिर तुम्हें ये क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है हमारे पास। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। ओके, हमने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो क्वेश्चन है, मीन्स दो पार्ट है। जो हमको ये नंबर गिवन है, हमें वेरीफाई करना है ये इस इक्वेशन के जीरोज हैं, एंड हमें रिलेशन बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड जीरोज हमें वेरीफाई करना है। ओके, इसका मतलब क्या है, जो तीन वैल्यू हैं इस पे क्या होगा, ये टर्म जीरो होगी। यहाँ पर लिख देते हैं हम, सपोज वी हैव पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, क्या बोला हमसे, इसका मतलब फर्स्ट लो वैल्यू 1/2, क्या हो जाएगा 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब ये 2 से 8 कट गया, कितना आएगा ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सो हमने इन तीनों टर्म को एक तरफ रख दिया, माइनस 5/2 को अलग रख दिया। तो हमारे पास क्या है, एलसीएम 4 आएगा, 1 + 1 प्लस 4 × 2 = 8। ओके, एंड ये माइनस का 5/2, ये कितना होगा हमारे पास 10/4 माइनस 5/2, तो इज इक्वल टू 5/2 माइनस 5/2, आ गया ना जीरो। इसका मतलब क्या है, 1/2 इसका एक जीरो है, हैंस 1/2 इज द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, अब सेकेंड क्या है, हमको 1 प्रूफ करना है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वापिस से वो लिख दो, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए वापस लिख दिया हमने ये, तो हमें पी ऑफ 1 को अब 0 के इक्वल पुट करना है। तो 2 1³ प्लस 1² माइनस 5 × 1 प्लस 2, कितना आ गया ये 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, कितना हो गया 2 × 4 = 5, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, थर्ड क्या प्रूफ करना है हमको, एक्स इक्वल टू माइनस 2, वो करते हैं अब हम। क्या गिवन है हमको, वही सेम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हमें पी ऑफ माइनस 2 को प्रूफ करना है। देखो 2 × -2³ प्लस -2² माइनस 5 × -2 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये 2 × देखो -2³। अब देखो ये एक ऑड नंबर है, तुम्हारा आंसर -8 आएगा, प्लस का 4 बिकॉज ये इवन नंबर है 2, एंड प्लस का 10 प्लस का 2, कितना हो जाएगा -16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये प्लस का 16 कटा, 0 आ गया। सो -2 इज अ 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। अब देखो हमें क्या करना है, कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स विद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसको यदि हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तुम्हारा a कितना आएगा 2, b कितना आएगा 1, c कितना आएगा माइनस 5, एंड d कितना आएगा प्लस का 2। एंड ऑल्सो वी हैव x इक्वल टू 1/2, 1 एंड माइनस 2, ये हमारे क्या हैं, जीरोज हैं p ऑफ x के। ओके, इसका मतलब क्या है, अब तीन जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, बीटा इक्वल टू 1 हो गया, एंड गामा इक्वल टू -2 हो गया। ओके, अब देखो अब क्या निकालना है हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, कितना होगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2, कितना आ गया एलसीएम इज 2, 1 + 2 माइनस 2, कितना आ गया निकल के, देखो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा बिकॉज 2 × 2 = 4 होता है, तो माइनस 1/2। ओके, हम ये ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a के। कितना हमारे पास 1 था, तो -1/2, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -1/2, एंड -b/a इज ऑल्सो इक्वल टू -1/2, सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a,
है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब सेकंड केस क्या हमारे पास, हमें निकालना है हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, अब देखो अल्फा क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू बीटा इज 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, कितना निकल के आएगा ये 1/2 -2 एंड दिस इज -1 विच इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, तो 1 -4 -2 तो विच इज इक्वल टू माइनस का 5/2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यदि हम रूट्स को प्रोडक्ट के पेयर्स में ले तो हमारा क्या निकल के आता है, सी बाय ए। अब देखो हमारा सी क्या था, सी इज योर -5 तो -5/2 आ गया ना भाई, तो हैंस वेरीफाइड। अब थर्ड केस क्या था, यदि हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, हमारा अल्फा कितना था, अल्फा इज योर 1/2 सो 1/2 इंटू बीटा इज योर 1 इंटू एंड गामा इज योर -2 सो -2 टू से टू कैंसिल दैट इज -1 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज -d/a। अब देखो d कितना है हमारे पास 2 सो -2/ और a कितना हमारे पास 2 कटा -1 देखो इक्वल आ गया हमारे पास, तो हैंस वेरीफाई। यहां पर दो 10 द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वेरीफाइड। नाउ लेट डिस्कस द पार्ट टू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें गिवन है पॉलिनोमियल दैट इज p(x) इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस का 5x -2। p(2) कितना होगा हमारे पास, 2³ -4 × 2² प्लस 5 × 2 -2, कितना हो जाएगा ये 2³ = 8, 2² = 4, 4 × 4 = -16 प्लस 10 -2, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 8 और 10 18 -2 16, 16 -16 देखो 8 प्लस 10 18 -2 इज प्लस का 16, 16 माइनस 16 इज 0 तो दिस इज इक्वल टू 0, therefore 2 इज द 0 ऑफ p(x). सेम निकालो p(1) कितना हो जाएगा 1³ -4 × 1² प्लस 5 × 1 -2, कितना आ जाएगा 1 -4 प्लस 5 -2, 1 प्लस 5 6 -4 × 2 -6 तो 6 से 6 कटा 0, therefore 1 इज द 0 ऑफ p(x). अगला भी 1 ही है तो वो भी 0 ही आएगा। ओके, अब सेम वही रिलेशनशिप लिख दो, यहां पे क्या करना है हमको, अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, इन तीन वैल्यू पे वो 0 है, सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गामा। ओके, अब क्या करना है हमको, तीनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा 2+1+1 विच इज 3 और 4, एंड हमें पता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, ये -b/a के। बी क्या हमारे पास, देखो बी इज योर -4, लेट मी राइट इट हेयर, सपोज p(x) हमारे पास x³ -4x² है प्लस 5x -2, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, कंपेयर करो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -4, c कितना हो गया प्लस का 5 एंड d कितना हो गया -2। हमने क्या निकाला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था हमारे पास 2+1+1, देखो एक बार वापस सॉल्व कर देते हैं, कितना हो गया ये 3 और 4, एंड हमें पता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज -b/a के। बी कितना है -4/1 विच इज 4, देखो इक्वल आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड, फेमस लाइन हैंस वेरीफाइड, तो वो लिख देना। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या हमारे पास, यदि हम रूट्स को प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स में लेते हैं, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक बार निकाल लेते हैं 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किया हमने, अल्फा हमारे पास 2 था, बीटा 1 था एंड गामा ऑल्सो 1, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2+1+2 विच इज 3 4 5 निकल के आएगा,
यदि हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को पेयर में ले तो हमारे पास किसके इक्वल निकल के आता है, ये दैट इज सी बाई ए। अब सी कितना है हमारे पास, 5, ए कितना है 1, तो 5 अपॉन 1 विच इज 5, सो हेंस वेरीफाइड। एंड थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, करो 2 × 1 × 1 विच इज 2। एंड असली में तीनों रूट्स के प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज माइनस डी अपॉन ए। एंड डी कितना हमारे पास, माइनस माइनस का 2 अपॉन 1 विच इज 2, सो हेंस वेरीफाइड। याद रखो जो हमारा ए है वो कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब है, जो बी है वो कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो सी है वो कॉफिशियंट ऑफ एक्स है, एंड जो डी है वो कॉन्स्टेंट टर्म है। याद रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ मैं डी और ए लिख रहा हूँ, काफी बार ना पेपर में क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, मतलब ए को बी लिख देंगे, बी को सी लिख देंगे, पर याद रखना वो कॉफिशियंट के टर्म्स में भी याद रखना, ओके। सो ये हेंस वेरीफाइड हो गया। सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज वेरीफाइड, ओके। ये स्टेटमेंट थोड़ा मैंने रफली लिखा है क्योंकि तुम्हें हर जगह ये सेम है, जो ये पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशियंट, ये मैं पार्ट 8 करा चुका हूँ पॉलीनोमियल्स का, उसको चेकआउट करो, फिर तुम्हें ना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं तुम्हें एक पीस ऑफ केक लगेंगे, मतलब बहुत सिंपल, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड होपफुली 4 भी करा दूं मैं, जो 5 है वो थोड़ा सा लेंदी और टिपिकल है, उसको हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसकी, ओके। सो एट लास्ट हैशटैग पढ़ाई पूरी, डोंट फॉरगेट टू डू 3 थिंग्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड 4th प्लीज डू ऑल 3, एंड 1 मोर इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे होम स्टे सेफ एंड 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ओके। थैंक यू।